जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडवेंचर कॉमर्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं शुभम अग्रवाल। दोस्तों, एग्जाम की घड़ियां नजदीक आ गई हैं, एग्जाम आपके बिल्कुल नजदीक आ गए हैं, अब कुछ ही समय रह गया है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी की तैयारियां बहुत लाजवाब होंगी, बहुत सही दिशा में आपको तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन फिर भी दोस्तों, पूरा रिविजन हम लोग एक बार यहाँ पे यूट्यूब पे करने वाले हैं और पूरी सीरीज में क्वेश्चन के साथ आपके सामने यहाँ पे लेके आने वाला हूँ। तो जुड़े रहिए दोस्तों हमारे साथ एडवेंचर कॉमर्स पर। आज के इस पहले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ओपन इकोनॉमी की, सारे कॉन्सेप्ट्स को एक बार रिवाइज करेंगे, देखेंगे दोस्तों कौन कौन चीज हमने पढ़ी थी, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सारी चीजों को हम लोग आज के इस लेक्चर में दोस्तों देखने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से। दोस्तों, ओपन इकोनॉमी के बारे में सभी को मालूम है, ऐसी इकोनॉमी जो ओपन हो, यानी जहां से विदेशों में भी ट्रेड हो रहा हो, जहां पे एक कंट्री दूसरी कंट्री से भी ट्रेड कर रही हो या वहां से वस्तुओं को मंगा रही हो, गुड्स को सेल कर रही हो वगैरह। जब ऐसा कुछ होता है तो ऐसी इकोनॉमी को हम लोग ओपन इकोनॉमी कह देते हैं, ठीक है ना। अब दोस्तों, ओपन इकोनॉमी करने के लिए हमारे पास तीन तरह के तरीके होते हैं, तीन रास्ते होते हैं। या तो हम लोग आउटपुट मार्केट के थ्रू अपनी इकोनॉमी को ओपन मार्केट के रूप में स्टैब्लिश कर सकते हैं, ठीक है ना। ये वो आउटपुट मार्केट के रूप में, इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग जो गुड्स हैं, सर्विस हैं, उनकी जो ट्रेडिंग है वो हम लोग करते हैं। विदेशों से हमारे यहाँ कुछ गुड्स एंड सर्विस आते हैं, या हम लोग विदेशों में कुछ सर्विस और कुछ अपने गुड्स जो है वो बेचते हैं या भेजते हैं। तो इस प्रकार के दोस्तों जो कंज्यूमर होते हैं वो हमारे दोनों तरह के होते हैं, जहाँ पे डोमेस्टिक कंज्यूमर भी हो, फॉरेन कंज्यूमर भी हो, है ना, डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी हो और फॉरेनर भी हो। तो ऐसे चीज को हम लोग ओपन आउटपुट मार्केट या ओपन मार्केट कह देते हैं, और इस प्रकार की हम लोग इकोनॉमी में दोस्तों बात करते हैं। दूसरा तरीका होता है ओपन इकोनॉमी बनाने का, वो है फाइनेंशियल मार्केट। मतलब हम अगर मान लीजिए गुड्स एंड सर्विसेज को अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग कुछ फाइनेंशियल एसेट्स जो हमारी होती हैं, उन फाइनेंशियल एसेट्स को हम लोग दूसरी कंट्रीज के थ्रू बाय कर लें, या दूसरी कंट्रीज में बाय कर लें, या हमारी कंट्रीज में जो कुछ फॉरेन एसेट्स हैं वो दूसरे लोग बाय कर लें वगैरह। इस प्रकार के फॉरेन एसेट्स के रूप में भी दोस्तों हम लोग अपनी इकोनॉमी को फॉरेन इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी दोस्तों बना सकते हैं। तीसरा अपना जो होता है वो दोस्तों लेबर मार्केट होता है। इस तरीके से हम लोग अपनी इकोनॉमी को ओपन इकोनॉमी बना सकते हैं, और वो है कि वहां पर जो है लेबर मार्केट का मतलब है कि जहां पे फर्म्स जो हमारी हैं उनको ये अधिकार हो, वो चॉइस कर सके, वो चूज कर सके, सिलेक्ट कर सके और लोकेट कर सके कि कहाँ उन्हें प्रोडक्शन करना है, कहाँ के उनके वर्कर्स होने चाहिए, कहाँ उनको वर्क करना चाहिए, उस जगह को वो लोकेट कर सके, कहाँ हमें प्रोडक्शन करना है। उस प्रकार का दोस्तों हमारा जो है वो लेबर मार्केट के थ्रू ओपन इकोनॉमी बना सकते हैं। कई तरह के इमिग्रेशन लॉज है हमारे पास, जिसके थ्रू हम लोग जो दूसरे देशों की लेबर होती है उनको हम लोग मूव करते हैं, यानी उनका मूवमेंट होता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, उनका मूवमेंट जो होता है वो कई लेबर लॉज के अकॉर्डिंग, इमिग्रेशन लॉज के अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पे किया जाता है। तो ये तीन तरीके हैं जिनके अकॉर्डिंग दोस्तों क्या होता है, हम लोग अपनी इकोनॉमी को ओपन इकोनॉमी बना सकते हैं। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात आती है कि ओपन इकोनॉमी के द्वारा अपनी कंट्री में डिमांड को कैसे इन्फ्लुएंस मिलता है, यानी ओपन इकोनॉमी होने की वजह से डिमांड और सप्लाई पर क्या असर होता है। तो एक बार जरा उसकी बात करते हैं और समझते हैं दोस्तों कि क्या असर होता है डिमांड और सप्लाई पर ओपन इकोनॉमी होने से। अब सुनिए, सबसे बड़ी बात एग्रीगेट डिमांड की बात की है, तो एग्रीगेट डिमांड को आपको पता होगा टोटल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस, है ना। किसी भी एक पर्टिकुलर मार्केट में जो टोटल डिमांड होती है गुड्स एंड सर्विस की, उसको हम लोग एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। अब ये एग्रीगेट डिमांड दोस्तों दो तरीके से इन्फ्लुएंस होती है, दो तरीके से इसको प्रभावित करती है। कैसे करती है, सुनिए मेरी बात। जब भी हम लोग अपने देश में से अपना माल बना के विदेशों में भेजेंगे, यानी जब हम एक्सपोर्ट करेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारे देश का माल विदेशों में गया तो यहाँ पे माल की थोड़ी सी कमी तो होगी ना भाई। 100 चीजें बन रही हैं, 100 में से हमने 50 विदेशों में भेज दी, तो यहाँ तो केवल 50 रह गई ना। इसका मतलब जब भी हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो सप्लाई है वो क्या हो गई, कम हो गई, और सप्लाई कम हो गई तो एग्रीगेट डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि जैसे ही हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे विदेशों में, तो एक्सपोर्ट विदेशों में करने के साथ साथ हमारे देश में क्या होगा, सप्लाई ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। भाई 200 चीजें बन रही हैं, 200 में से 200 की 200 यहाँ पर है, बढ़िया, 200 में से 100 हमने विदेश भेज दी तो फिर यहाँ पे कितनी रह गई, 100 ही तो रह गई, यानी यहाँ के लिए सप्लाई कैसे होगी, कम हो गई, और यानी यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। ऐसे ही अगर दूसरी चीज करें कि हम विदेशों से कुछ सामान अपने यहां मंगा लें,
अगर विदेशों से कुछ अपने यहाँ सामान मंगा लेंगे तो हमारे यहाँ सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। 200 तो हमने बनाया, 100 हमने बाहर से मंगा लिया, 300 की सप्लाई हो गई। जब सप्लाई 300 की हो गई है, सप्लाई बढ़ गई है, तो डिमांड ऑफ ऑल में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये दो बातें आपको यहाँ पे समझ में आ गई कि जब भी इंडियंस बाय फॉरेन गुड्स, अगर हम विदेशों से माल खरीदेंगे तो एग्रीगेट डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी। और जब हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है, एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या होगा, हमारी जो इंक्रीजिंग जो एग्रीगेट डिमांड है वो हो जाएगी, यानी एग्रीगेट डिमांड हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये दोनों बातें आपको यहाँ पे समझ में दोस्तों आ गई हैं, बहुत अच्छे से आपको क्लियरली यहाँ पे मेंशन दोस्तों होती है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार कुछ और बातें भी सीखते हैं कि क्या क्या हमें एग्जाम में नंबर रखनी है। अब देखिए मैकेनिज्म समझते हैं हम लोग फॉरेन ट्रेड का, कि भाई फॉरेन ट्रेड की जो हम बात कर रहे थे वो फॉरेन ट्रेड होता कैसे, ठीक है ना। बहुत आसान है, सिंपल सी बात है। अगर विदेशों से हमें कोई भी सामान मंगाना होगा, या एक बहुत जनरल सी बात करता हूं, किसी भी दुकान पे आप जाएंगे, किसी भी आप शॉप पे जाते हैं, वहां से अगर आपको कुछ सामान खरीदना है तो क्या करते हैं आप, कुछ करेंसी, कुछ पैसे उसको देते हैं और वहां सामान खरीद लेते हैं, ठीक है ना। अब मुझे बताओ कि उस दुकान वाले ने करेंसी क्यों ली आपसे, ताकि वो उस करेंसी से और अपनी जरूरत का सामान खरीद सके, है ना। लेकिन मुझे बताओ कि क्या वही करेंसी अमेरिका में चल जाएगी क्या, या वही करेंसी ऑस्ट्रेलिया में चल जाएगी क्या, क्या वही करेंसी ब्रिटेन में चल जाएगी क्या, नहीं। वहां की उनकी अपनी खुद की करेंसी है, यानी अगर वहां की दुकानों से, वहां की शॉप से हमें कुछ खरीदना होगा तो वहां के शॉपकीपर्स हमारी करेंसी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनको तो वही की करेंसी चाहिए होगी, क्लियर ना। इसका मतलब ट्रेड करने के लिए हमें कुछ ना कुछ फॉरेन करेंसी चाहिए होगी, क्लियर हो गया ना, सबको समझ आ रहा है। अगर विदेशों से हमें कुछ माल खरीदना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनको उनकी ही करेंसी में क्या करना पड़ेगा, पेमेंट यहां पर करना पड़ेगा, क्लियर होगा। यानी हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी करेंसी को उनकी करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी जो करेंसीज हैं उनको आपस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे रुपए को डॉलर में चेंज करना पड़ेगा, फिर डॉलर वहां जाके खर्च करेंगे तो अपना काम बन जाएगा। इस प्रकार की चीजें हमें करनी पड़ेगी, तो उसको हम कहते हैं कन्वर्टिबिलिटी, क्लियर है ना, कन्वर्टिबिलिटी। तो जनरली यही होता है कि जो फॉरेन ट्रेड होता है वो करेंसी को एक्सेप्ट करते हैं, और ऐसी करेंसी को एक्सेप्ट करते हैं जो रिलेटिवली स्टेबल होती है। स्टेबल का मतलब ऐसा नहीं है कि किसी भी करेंसी का आपने रख लिया, फॉर एग्जाम्पल रुपया है, रुपया आपने देखा होगा उसकी कीमत जो है लगातार 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 बढ़ती रहती है। 1 डॉलर में अगर हम थोड़े दिन पहले की बात करेंगे तो 70-80 रुपए हुआ करते थे, अभी 85-84 रुपए हो गया है, उससे पहले 60-55 रुपए तक भी था, यानी रुपए की वैल्यू गिर रही है ना। अब मान लीजिए कोई भी देश अगर हमसे रुपया ले ले, आज उसने 100 रुपए लिया, हमसे 100 रुपए लिया हमने, तो उस हमने तो 100 रुपए आज दे दिया उसको, उसके पास 100 रुपए पहुंच गया, लेकिन कल की डेट में रुपए की जब वैल्यू गिर जाएगी तो उसके 100 रुपए की वैल्यू भी गिर जाएगी। वहीं अगर 100 रुपए के बदले उसने हमसे डॉलर लिया होता, तो 100 रुपए में अगर हम देखें तो लगभग लगभग 1.25 डॉलर आएंगे। उसने अगर डॉलर लिया होता तो डॉलर कीमत हमेशा लगातार बढ़ रही होती है। इसीलिए फॉरेन ट्रेड में क्या होता है, कोई भी खरीदार जो होता है, कोई भी लेनदार जो होता है, वो हमेशा स्टेबल करेंसी को लेता है, स्ट्रॉन्ग करेंसी को लेता है, जो भविष्य में चेंज ना हो, उसके वैल्यू जो है वो लगातार सिमिलर बने रहे या फिर बढ़े, ठीक है ना। तो वही वैल्यूज को लेता है, इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, अपनी करेंसी को उसी प्रकार की वैल्यूज में चेंज भी करना पड़ता है, कन्वर्ट भी करना पड़ता है। अब जब कन्वर्ट करना पड़ता है तो हमें एक रेट डिसाइड करना पड़ता है कि भाई 1 रुपए में कितने डॉलर या 1 डॉलर में कितने रुपए देंगे, उस प्रकार की हमें कहानी करनी पड़ती है ना। और यही से दोस्तों क्या होता है कि हमारी जो ट्रांसफर परचेसिंग पावर है वो दोस्तों डिपेंड करती है। तो ये मैकेनिज्म है फॉरेन ट्रेड करने का, जो आपको समझ में यहाँ पर आया होगा, एक करेंसी को दूसरी करेंसी में चेंज करते हैं और उसके साथ फिर क्या करते हैं हम लोग, सारा जो करेक्शन है, सारा जो ट्रेड है वो लोग हम करते हैं। कन्वर्टिबिलिटी इसको बोला जाता है, कन्वर्टिबिलिटी ऑफ द करेंसी ये इसको बोला जाता है, और इसी के ऊपर हम लोग काम करते हैं। अब खास बात क्या है कि दो एक्सपेक्ट हैं, दो इसके एक्सपेक्ट हैं इसको कमिटमेंट के करने के, ठीक है ना, क्रेडिबिलिटी को लेने के दो इसके एक्सपेक्ट हैं। क्या क्या है, सबसे पहली बात एबिलिटी टू कन्वर्ट फ्रीली इन अल्टीमेट अमाउंट एंड द प्राइस एट विच कन्वर्जन टेक्स प्लेस। पहला तरीका ये है कि अब कोई भी सरकार, कोई भी देश ये तो फ्री कर दे कि भाई जितना भी चाहो उतना हमसे फॉरेन करेंसी लो, जितना चाहो उतना जो है वो करेंसी को आप कन्वर्ट करके विदेशों से आके परचेस करो।
तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है, विद द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन गोल्ड सीज टू बी द एसेट इनटू व्हिच नेशनल करेंसी कुड बी कन्वर्टेड। यानी दो तरीके हैं, या तो आप फ्रीली मौका दे दो सबको कि भाई जितना करेंसी चेंज करना है करो, जितना करेंसी को ले जाना है ले जाओ और विदेशों में जाके खरीदारी करो, पहला तरीका तो ये है। दूसरा ये है कि उसके एवज में हम लोग गोल्ड क्या कर दें अपने साथ रख लें, है ना। अब यहाँ पे दो तरीके हैं दोस्तों, बड़े इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को समझना बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि भाई दो तरीके हैं, या तो सरकार परमिशन दे दे कि भाई जितना चाहिए उतना तो हमसे डॉलर लेके जाओ और विदेशों में जाकर खरीदारी करो। सरकार यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं लगाएगी, कोई कंट्रोल नहीं करेगी, तो क्या होगा, तो बहुत तेजी से हमारे देश की जो विदेशी मुद्रा है, जो डॉलर है, वो खत्म होते चले जाएंगे, है ना। उससे क्या होगा, हमारे देश में आगे दिक्कतें बढ़ सकती हैं। इसलिए सरकार यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस करती है, कुछ लिमिटेशन लगाती है, जिससे लोगों को विदेशी मुद्रा भी मिल जाए, लोग बाहर सामान खरीद भी पाए और अपने देश को भी परेशानी ना हो, ठीक है ना। इसके लिए हमें एक रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है कि कितना रुपया यहाँ से बाहर गया और कितना बाहर से यहाँ अंदर आया, कितना डॉलर यहाँ से बाहर गया, कितना डॉलर हमारे देश के अंदर आया, उसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है और उस रिकॉर्ड को हम लोग कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट की कुछ बात करेंगे, क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो यहाँ पे ये बहुत सिमिलर टर्म है, आप सभी को बहुत पहले से मालूम है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है, सभी को मालूम है, एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है। इस सिस्टमैटिक रिकॉर्ड में क्या होता है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होते हैं बिटवीन रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। किसी भी देश के जो रेजिडेंट हैं, यानी जो उस देश में रहकर काम कर रहे हैं वो, प्लस जो उस देश के नॉन रेजिडेंट हैं यानी विदेशों में काम कर रहे हैं वो, उन दोनों के बीच में जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हुए हैं, उन सभी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का जो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है वो क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। या मैं कह सकता हूं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ सर्टेन टाइम पीरियड। यानी किसी भी निश्चित समय काल में, टिपिकली ये एक साल का समय होता है, एक फाइनेंशियल ईयर होता है, तो उस एक फाइनेंशियल ईयर में रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं इकोनॉमिक, उनका रिकॉर्ड जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है ना। अब जैसे यहां पर मैं कहूं कि टाटा और बिरला, इन दोनों में जो ट्रांजैक्शन होंगे, किसी ने किसी के पैसे लिए, किसी ने किसी के पैसे दिए, तो क्या वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में आएगा, नहीं आएगा। टाटा और बिरला दोनों इंडिया के रेजिडेंट है, टाटा और महिंद्रा दोनों इंडिया के रेजिडेंट हैं, टाटा और बजाज दोनों इंडिया के क्या है, रेजिडेंट है। इनके बीच में जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो बैलेंस पेमेंट में ऐड नहीं होंगे। लेकिन टाटा और एमेजॉन, अगर इनके बीच में कुछ हुआ है तो फिर वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में ऐड, ठीक है ना। या टाटा और माइक्रोसॉफ्ट, अगर इनके बीच में कुछ हुआ है तो वो फिर क्या होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट में ऐड होगा। यानी जो हमारे देश में रहकर काम कर रहा है वो, और जो विदेशों में रहकर काम कर रहे हैं वो, उन दोनों के बीच में जब भी कोई ट्रांजैक्शंस होंगे तो फिर वो क्या होंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट में। क्लियर हो गया। अब दो तरह के ट्रांजैक्शंस होते हैं, एक तो ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जो तुरंत होते हैं, तुरंत खत्म। जैसे मैंने आपको 10 रुपए दिए, 10 रुपए के बदले आपने मुझे कुछ और आइटम या कुछ भी वस्तु मुझे दे दी और वो ट्रांजेक्शन वहां पे खत्म हो गया। मैं किसी शॉपकीपर के पास गया, मैंने उसको 5 रुपए दिए, वहां से एक पेन ले लिया, ट्रांजेक्शन खत्म हो गया। ये तो ऐसे होते हैं। कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जो बहुत लंबे समय के लिए चलते हैं। जैसे मैं एक शोरूम में गाड़ी खरीदने गया, कार खरीदने गया, वहां मैंने 20 लाख रुपए कार खरीदी, 20 लाख रुपए कार, मैंने 5 लाख रुपए उसको क्या दिया, डाउन पेमेंट किया, और 15 लाख का मैंने अपना ईएमआई बनवा लिया, ठीक है ना। अभी ईएमआई मुझे हर महीना देना है, हर महीना देना है मतलब है कि अगले 10-20 सालों में वो लोन मेरा कंप्लीट हो जाएगा। यानी अब वो ट्रांजेक्शन कितना लंबा हो गया, जब तक लोन खत्म नहीं हो जाता मेरा तब तक वो ट्रांजेक्शन चलता रहेगा। क्लियर। तो ऐसे ही दो प्रकार के ट्रांजेक्शन रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के बीच में होते हैं, इसीलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, दो भागों पढ़ते हैं। एक होता है हमारा कैपिटल अकाउंट और एक होता है हमारा करंट अकाउंट, ठीक है ना। इन दोनों के बारे में पढ़ रहे हैं कि क्या क्या चीजें होती है। अब सबसे पहले करंट अकाउंट, करंट अकाउंट होता है लेस देन अ ईयर, इसके ऐसे ध्यान रखो, लेस देन अ ईयर। इसको आप ऐसे ध्यान रखो, लेस देन अ ईयर, लेस देन अ
ईयर, ठीक है ना, एक साल से कम, अगर कोई ट्रांजैक्शन ऐसा है जो एक साल से कम में ही खत्म हो जाएगा तो वो हमारा क्या होता है, करंट अकाउंट में ऐड होता है। ये सिंपल सी ट्रिक बताई है मैंने याद करने के लिए, क्योंकि तो एग्जाम में आता है कि कौन सा करंट अकाउंट में लिखा जाएगा, कौन सा कैपिटल अकाउंट में लिखा जाएगा। तो पहली बात क्या है कि रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के बीच में हो तब ही वो बैलेंस पेमेंट में ऐड होगा, अदरवाइज ऐड नहीं होगा, ठीक है ना। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या है कि एक साल से अगर कम का कोई ट्रांजेक्शन है तो फिर वो क्या होगा, करंट अकाउंट में ऐड, ठीक है ना। अब एक साल से कम के जो ट्रांजेक्शन होते हैं उनको भी हम तीन तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहले हमारे ट्रेड्स एंड गुड्स, यानी जो वस्तुएं हम लोग भेजते हैं, वस्तुएं मंगाते हैं वो, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने सऊदी अरेबिया से क्रूड ऑयल लिया। अब क्रूड ऑयल जब लिया है तो उसका पेमेंट किया जाएगा। या रशिया से हमने S-400 मिसाइल खरीदी तो वहां से मिसाइल आएगी, यहां से पेमेंट होगा, ठीक है। या फिर मान लीजिए हमने अपना जो जो अर्मेनिया है, अर्मेनिया को अभी हमने अपना ब्रह्मोस, अपना पिनाका मिसाइल जो है वो बेची है, तो पिनाका मिसाइल वहां दिया और वहां से पेमेंट हमारा आ गया। या और भी कई छोटे छोटे देश हमको कई सारी चीजें बेचते हैं तो वहां हमारी वस्तु में जाती है, वहां से पेमेंट आ जाता है। तो ये सब एक साल के भीतर भीतर हो जाता है, यानी ऐसा नहीं है कि कोई पेमेंट हमारा बहुत लंबा चौड़ा खींचता हो, एक साल के अंदर अंदर उनका पेमेंट सारा निकल के आ जाता है। तो ऐसा जो गुड्स का ट्रांजेक्शन है वो सारे हमारे किस में होंगे, करंट अकाउंट में होंगे, जो विदेशों में हम लोग कर रहे हैं। दूसरा, सर्विसेज, अगर हमने कोई भी सर्विस किसी भी कंट्री में प्रोवाइड कराई है या किसी भी कंट्री से हमने कोई सर्विस ली है तो उसका पेमेंट हमें करना होगा, या हमने जो सर्विस प्रोवाइड कराई होगी उसका पेमेंट हमें मिलेगा। तो ये भी जनरली एक साल के अंदर अंदर हो जाता है, इसलिए इसे भी हम लोग करंट अकाउंट में ही ऐड करते हैं। फिर तीसरा आता है ट्रांसफर पेमेंट। अब ये ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है, तो मैं इसको कई बार समझा चुका हूँ कि ट्रांसफर पेमेंट जो होते हैं वो हमारे ऐसे होते हैं, वन साइडेड होते हैं, यानी जब एक ही तरफ से पेमेंट हो, दूसरी तरफ से कुछ भी ना मिले, तो वो हमारे क्या होते हैं, हमारे वो ट्रांसफर पेमेंट दोस्तों कहलाए जाते हैं, ये ना, वो क्या कहलाए जाते हैं, ट्रांसफर पेमेंट हमारे कहलाए जाते हैं। क्लियर, ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि ट्रांसफर पेमेंट अब क्या है ना। ट्रांसफर पेमेंट का मतलब वही है, जब दूसरी तरफ से कुछ ना मिले, एक तरफ से ही पैसा जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी को दान दे दिया, भाई चल ठीक है तेरा काम नहीं बन रहा है, मैं तू मुझसे 5,000 रुपए दान ले, मैंने उसको दान कर दिया, तो ये दान क्या, दान के बदले मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है, तो ये 5,000 रुपए किसने चले जाएंगे, ट्रांसफर पेमेंट में। या मान लीजिए मेरे भाई अमेरिका में रहते हैं और वहां से वो आए किसी दिन इंडिया, तो इंडिया जब आए तो मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट ले आए। अब वो गिफ्ट बहुत एक्सपेंसिव है, मान लीजिए 50,000 रुपए गिफ्ट है, तो वो क्या है, उसके बदले भैया कुछ नहीं दूंगा, तो वो क्या है, ट्रांसफर पेमेंट हो गया। या फिर बहुत सारी चैरिटीज होती हैं, बहुत सारे डोनेशंस होते हैं, वो सब हमारे ट्रांसफर पेमेंट में आते हैं। तो ये सब चीजें दोस्तों हमारी किस में रहती है, ये सब चीजें हमारी करंट अकाउंट में ही रहती है, ध्यान रखिएगा, इन सबको हम लोग करंट अकाउंट में ही ऐड करते हैं। बस बात यही है कि ये सारी चीजें किसके बीच में होनी चाहिए, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के बीच में ही होनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई वस्तु है, अगर कोई गुड है, तो वो रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के बीच में ही उसका ट्रांसफर होना चाहिए, तभी उसका जो ट्रांजेक्शन है वो इसमें ऐड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एक्सपोर्ट भी करते हैं, इंपोर्ट भी करते हैं ना, यही पे टर्म होती है बैलेंस ऑफ ट्रेड, मैं आगे आपको बताऊंगा। बैलेंस ऑफ ट्रेड इसमें हम लोग करते हैं एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है। जितना हमने एक्सपोर्ट किया है उसमें से इंपोर्ट को घटा दीजिए तो जो निकल के आता है वो हमारा होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी इसे कहते हैं BOT, ठीक है ना। तो अभी गुड्स के मामले में अगर देखें तो यहाँ पे हम लोग डेफिसिट में हैं, क्यों, हम लोग एक्सपोर्ट बहुत कम कर रहे हैं जबकि इंपोर्ट हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं। जब इंपोर्ट हम लोग ज्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट हम लोग कम करते हैं तो यहां से बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसा निकल के आएगा, निगेटिव निकल के आएगा ना। इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट बहुत कम है, जब इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, तो यहां से बैलेंस ऑफ ट्रेड निकल के आएगा कैसा, निगेटिव, ठीक है, यानी हम लोग डेफिसिट में यहां पर है, ठीक है। इस वाले मामले में कैसे हैं, हम लोग डेफिसिट में है यानी नुकसान में है ना, हमारा ज्यादा पैसा जो है वो बाहर जा रहा है क्योंकि बाहर से पैसा हमारे पास नहीं आ रहा, क्यों, हमारा एक्सपोर्ट बहुत कम है, एक्सपोर्ट कम है तो बाहर से पेमेंट भी कम आ रहा है, एक्सपोर्ट ज्यादा होता तो बाहर से पेमेंट भी हमारा ज्यादा आ रहा है। सर्विस की बात करें तो सर्विस के मामले में दोस्तों हम लोग यहां पर कैसे हैं, सरप्लस में है, सर्विस के मामले में कैसे हैं हम लोग, सरप्लस में, ठीक है ना।
अब सरप्लस में कैसे है एक बात ध्यान रखिएगा, कैसे सरप्लस में है सुनो, यहाँ पे अगर हम बात करें नेट फैक्टर इनकम की, नेट फैक्टर इनकम ये कंपोजिट की या नेट इन्वेस्टमेंट की, तो यहाँ पे हम लोग फिर से डेफिसिट में। अब मेरी बात ध्यान से समझना, क्या चीजें हैं ट्रेड इन सर्विस में दो चीजें आती हैं, एक होती है नेट फैक्टर इनकम और एक होती है नॉन फैक्टर इनकम। नेट फैक्टर इनकम का मतलब है कि मान लीजिए मैंने विदेश में किसी जगह अपना पैसा इन्वेस्ट किया तो वहां से मुझे प्रॉफिट होगा, तो मेरी इनकम यानी वहां से उठ के यहाँ आ जाएगी। और इंडिया में जिन जिन विदेशियों ने इन्वेस्टमेंट किया है उस इन्वेस्टमेंट से जब प्रॉफिट होगा तो वो इन्वेस्टमेंट उन विदेशियों को मिल जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब जो प्रॉफिट हुआ है, मान लीजिए मैंने अमेरिका में किसी को कुछ उधार पैसा दिया है तो उसका ब्याज वो मुझे दे रहा होगा तो ब्याज वहां से मुझे मिलेगा। विदेशी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इंडिया में कई संस्थानों, कई बिजनेसमैन, कई और लोगों को पैसा उधार दिया हुआ है, यहां से उनका इंटरेस्ट उनके पास जाएगा, क्लियर हो गया। तो ये होती है नेट फैक्टर इनकम। अब ऐसे मामले में अगर देखा जाए तो भारत ने तो बहुत कुछ लोन दे नहीं रखा, भारत के लोगों का तो इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, लेकिन विदेशी लोगों का बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो भारत में है, इसीलिए उनको ज्यादा प्रॉफिट यहाँ से मिलता है। तो यहाँ पर हमारे देश में से पैसा निकल के जा रहा है ज्यादा, इसलिए हम कैसे यहाँ पर डेफिसिट। जबकि अगर नेट नॉन फैक्टर इनकम की बात की जाए तो इसका मतलब है सर्विस के बदले जो पैसा मिल रहा है, शिपिंग सर्विस के बदले, बैंकिंग सर्विस के बदले, इंश्योरेंस सर्विस के बदले, टूरिज्म सर्विस के बदले, सॉफ्टवेयर सर्विस के बदले, किसी भी सर्विस के बदले में जो पेमेंट हो रहा है वो हमारा नेट नॉन फैक्टर इनकम में बन जाता है। और यहां पर हम लोग कैसे हैं सरप्लस, क्यों? क्योंकि हम लोग सर्विस बहुत ज्यादा प्रोवाइड करते हैं जिसका पैसा हमको मिलता है, हमारी सर्विस सेक्टर जो है बहुत स्ट्रांग है, इसलिए यहाँ पे हम विदेशों में खूब सारे सर्विस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं और उसका खूब सारा पैसा जो है हमें वो मिल जाता है, क्लियर ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान में आ गई बात। अच्छा, ट्रांसफर के मामले में यहाँ पर भी हम लोग सरप्लस में होंगे, क्यों? हमारे बहुत सारे लोग विदेशों में काम कर रहे हैं और हमारे बहुत सारे लोग विदेशों में रह रहे हैं जो समय समय पर हमारे लिए काम करते रहते हैं जबकि हम बहुत कम काम करते हैं उनके लिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो करंट अकाउंट में हम लोग ट्रेड्स के गुड्स में कैसे हैं, डेफिसिट में हैं। हम लोग सर्विस के मामले में कैसे हैं, सरप्लस में हैं और डेफिसिट में हैं। और वैसे अगर देखा जाए ट्रांसफर में हम कैसे हैं, सरप्लस में हैं। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी होगी। अब यही बातें यहां पर मैंने आपको देखिए लिख कर भी दिखा दी, ये सारी बातें कोई लिख के दिखाई है मैंने, ट्रेड्स एंड गुड्स, ट्रेड्स एंड सर्विस, ट्रांसफर पेमेंट क्या होते हैं, ठीक है ना। अब बैलेंस कैसे बनेगा, तो बैलेंस भैया सिंपल सी बात है, जितना पैसा हम लोग बाहर भेज रहे हैं उतना ही पैसा हमारे देश में आ भी जाए तो क्या हो जाएगा, करंट अकाउंट हमारा बैलेंस हो जाएगा। यानी जितने का सामान हमने बाहर विदेशों में बेचा है उतने का ही सामान हम खरीद भी लें, या जितने का सामान हमने खरीदा है उतने का सामान हम बेच भी दें, तो ये सब क्या हो जाएगा, फिर बैलेंस हो जाएगा, क्लियर। उससे क्या हो जाएगा, सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। लेकिन बैलेंस करना ये इतना आसान होता नहीं जितना हम लोग बता रहे हैं। भाई हमने मंगा तो लिया, मान लीजिए हमारा प्रोडक्ट जो है मार्केट में नहीं बिका, विदेशी लोगों ने हमारा जो आइटम है वो नहीं खरीदा, तो फिर उससे बहुत सारी दिक्कत होती है, उससे फिर हम लोग देखेंगे कि आगे कैसे निपटा जाता है। फिलहाल ये आपको समझ में आया, ये इतना समझ में आया। अब अगर मान लीजिए हम सरप्लस कंडीशन में हैं, यानी करंट अकाउंट कैसा है, सरप्लस है, करंट अकाउंट पूरा कैसा होता है, डेफिसिट में ही होता है ना। करंट अकाउंट यहाँ पे लिखता हूं मैं, करंट अकाउंट ऑफ इंडिया इज नाउ इन डेफिसिट। यानी अभी के लिए देखें तो इस समय इंडिया का जो करंट अकाउंट है वो कैसा है, वो डेफिसिट में है। क्यों? इंडिया से पैसा बाहर जा रहा है ज्यादा और अंदर आ रहा है कम। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि तो इंडिया का इंपोर्ट अभी कैसा ज्यादा है और एक्सपोर्ट कैसा है कम, ठीक है ना। लेकिन अगर किसी भी देश का ये जो करंट अकाउंट है ये सरप्लस में हो जाए तो इसका मतलब होता है कि नेशन जो है वो एक लेंडर कंट्री है। अगर सरप्लस में है, सरप्लस का मतलब क्या है कि देश में खूब सारा पैसा आ रहा है ना, सरप्लस का मतलब क्या है कि देश में खूब सारा पैसा आ रहा है और जा कैसा रहा है, कम जा रहा है। जब देश में खूब सारा पैसा आ रहा है इसका मतलब वो कहां से आ रहा होगा, हमारे आइटम्स विदेशों में बिक रहे होंगे वहीं से आ रहा होगा, यानी हम कैसे हैं, लेंडर। और इसका जस्ट अपोजिट अगर हम बात करें कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट में है, इसका मतलब हम क्या है, बोरोअर है ना, हम क्या है, बोरोअर है। हम डेफिसिट का मतलब क्या हुआ, कि डेफिसिट का मतलब क्या है कि हमारे देश में पैसा कम आ रहा है और विदेशों में ज्यादा जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि हम बोरोअर हैं बाकी कंट्रीज के, हम लोग क्या है, उधार करता है ना, हमारे देश में भी इतना बिजनेस जमा नहीं हुआ है, क्लियर है ना। ये सारी बातें आपको समझ में आ रही है। अब
बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट मैंने आपको बताया था दो कंपोनेंट होते हैं, है ना, एक होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड और एक होता है बैलेंस ऑफ इनविजिबल। अब ये इनविजिबल क्या होता है, जरा देख लो, सुनो मेरी बात ध्यान से, उसी चार्ट पे आ गया, चार्ट पे आता हूँ, देखिए ये। तो यहां पे अगर मैं आपसे कहूं, देखिए ये वाला चीज, जो ये वाली चीज है, ये वाली चीज, जो ये वाली पूरी चीज है, ये वाली, इस चीज को हम लोग कहते हैं इनविजिबल ट्रांजैक्शन। बल्कि इसमें एक चीज और करेंगे, ये पूरा जो है ये होता है इनविजिबल। इनविजिबल का मतलब है ये आपको आते जाते दिखाई नहीं देगा, है ना भैया। अगर मान लीजिए अमेरिका से मेरे पास आ रहे हैं, तो वहां से भाई ऐसा नहीं करेंगे कि वो एक बोरी नोट भर के लेके आएंगे जो मुझे देंगे, है ना, वो तो अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अगर मान लीजिए मुझे अमेरिका में जाके अपनी ब्रांच खोलनी है बैंक की, तो यहां से अपनी ब्रांच उठा के लेके नहीं जाऊंगा, वहीं जाऊंगा आराम से खोल लूंगा। मतलब ये वाले ट्रांजेक्शन जो होते हैं ये हमें दिखाई नहीं देते, जबकि जो गुड्स के ट्रांजेक्शन है, जो गुड्स के ट्रांजेक्शन है, ये आते और जाते हुए मुझे दिखाई देंगे। तो करंट अकाउंट में एक होता है इनविजिबल पार्ट और एक होता है विजिबल पार्ट, है ना। ये कौन सा हुआ, ये हुआ हमारा विजिबल पार्ट। ये क्या है, विजिबल पार्ट, विजिबल ट्रांजेक्शन, ठीक है ना, और वो क्या है हमारे इनविजिबल, क्लियर है ना। चलिए तो ये पूरी बात आपको समझ में आई, कॉम्पोनेंट आपको समझ में आ गए, हमारा जो कंपोनेंट है वो भी समझ में आया। अब यहाँ बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात की गई है, जो मैंने अभी आपको बताया कि बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है, बीओटी जो है, वो क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, है ना। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज एंटर्ड एज क्रेडिट आइटम, यानी जो एक्सपोर्ट होगा उसको क्या लिखेंगे हम लोग, क्रेडिट। क्यों, एक्सपोर्ट किया है तो वहां से पैसा हमें मिलेगा, जब पैसा मिलेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, वो क्रेडिट हुआ। इसी प्रकार जो इंपोर्ट होगा, इंपोर्ट को हम लोग क्या लिखते हैं, इंपोर्ट को हम लोग लिखते हैं डेबिट, है ना। जो इंपोर्ट होगा इसको हम क्या लिखेंगे, डेबिट। क्यों, इंपोर्ट अगर हमने कराया तो उसका पेमेंट हमें करना पड़ा होगा, जब पेमेंट करना पड़ा है तो उसका मतलब क्या हो गया, वो डेबिट हो गया, क्लियर हो गया ना। ये बात पूरी आपको समझ में आई। अब सरप्लस बीओटी, इन सब के मतलब मैं आपको बता चुका हूं। सरप्लस का मतलब है कि एक्सपोर्ट ज्यादा होना, इंपोर्ट कम होना, और डेफिसिट का मतलब क्या होगा, एक्सपोर्ट कम होना और इंपोर्ट का ज्यादा हो जाना। ये मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूं, समझा चुका हूं, ठीक है ना। ये वही है सब, बैलेंस ऑफ इनविजिबल वगैरह ये सब वही है भाई। बैलेंस कैसे होगा, जब रिसीट और पेमेंट दोनों इक्वल हो, जितना माल हम बाहर भेज रहे हैं उतना ही माल हमें रिसीव हो जाए, तब कहीं जाके करंट अकाउंट जो है क्या होगा, वो बैलेंस होगा। वरना क्या होगा, बैलेंस वो नहीं हो पाएगा, वरना वो नेगेटिव पॉजिटिव में रहेगा। अगर हमने ज्यादा पैसा विदेशियों को दे दिया तो नेगेटिव में हम लोग आ जाएंगे, डेफिसिट में आ जाएंगे, और विदेशियों से हमारे यहाँ ज्यादा पैसा आ गया तो हम लोग सरप्लस में आ जाएंगे। बट वो बैलेंस तभी होगा जब दोनों चीजें क्या हो, इक्वल हो। ये नीचे देखो लिखा हुआ भी है कि कब का बैलेंस होगा, कब का क्या होगा। देखो सरप्लस कब होगा, जब हमें मिल ज्यादा रहा हो करंट अकाउंट में और पैसे हम लोग पेमेंट कम कर रहे हैं। बैलेंस कब होगा, जब बराबर हो, और डेफिसिट में कब होगा, जब रिसीट हमारी कैसी हो, कम हो, और पेमेंट हमारे कैसे हो, ठीक है ना। जब रिसीट हमारे कैसे हो, कम हो, और पेमेंट हमारे कैसे हो, ज्यादा हो, तो हम लोग क्या हो जाएंगे दोस्तों, डेफिसिट में यहां से निकल जाएंगे, क्लियर है ना। चलिए तो ये बात अपनी समझ में आई आपको, करंट अकाउंट की बात अपने यहाँ पे समझ में आई है, इंपॉर्टेंट बात थी। अभी आगे बढ़ते हैं, कैपिटल अकाउंट की तरफ बढ़ते हैं। तो कैपिटल अकाउंट दोस्तों भाई दूसरा वाला, जिस भाई देखो करंट में क्या था, 1 साल से कम के ट्रांजेक्शन, ठीक है, इसमें क्या होगा, 1 साल से अधिक के ट्रांजेक्शन, ठीक है ना। जो भी 1 साल से अधिक के ट्रांजैक्शन होंगे वो हमारे किस में जाएंगे, वो हमारे आ जाएंगे कैपिटल अकाउंट, क्लियर, वो किस में आ जाएंगे हमारे कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। ये पूरी बात आपको यहां पे समझ में दोस्तों आ रही होगी मेरे ख्याल से, ठीक है। चलिए तो एक बार समझते हैं जरा इसको। अब देखिए सुने, जितने भी तो मैं यहां पे लिखता हूं, पहले तो मैं यहां पे लिख देता हूं तो आपको समझ में आएगा। देखिए मोर देन 1 ईयर, मोर देन अ ईयर, ठीक है ना, मोर देन अ ईयर, 1 साल से ऊपर के जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे, जितने भी प्रकार के ट्रांजेक्शन होंगे, किसके बीच में, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के बीच में, वो सब कैसे होंगे दोस्तों, कैपिटल अकाउंट में ऐड होंगे। जितने भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हैं जो एसेट्स के रूप में होंगे, वो सारे हमारे कितने होंगे, कैपिटल अकाउंट में दोस्तों क्या हो जाएंगे, ऐड हमारे हो जाएंगे, क्लियर ना। इसमें ऐड हो जाएंगे कैपिटल अकाउंट
अकाउंट में ऐड हो जाएंगे, है ना। ये पूरी बात आपको यहाँ पे समझ में दोस्तों आ रही होगी, क्लियर है। अब वही बात, जैसे करंट अकाउंट था उसमें कई प्रकार के ट्रांजेक्शन थे, इसी प्रकार हमारा कैपिटल अकाउंट है, इसमें भी हमारे कई प्रकार क्या है, ट्रांजेक्शन है। जो अपना कैपिटल अकाउंट है इसमें भी क्या है, कई प्रकार के हमारे पास क्या है, ट्रांजेक्शन हमारे होते हैं, तो उनको भी अलग अलग डिवाइड किया गया है। अब मेरी बात को जरा ध्यान से देखना, सबसे पहली बात क्या है, सबसे पहली बात ये है कि करंट अकाउंट में ट्रांजेक्शन थे एक साल से कम वाले, यहां पर सारे ट्रांजेक्शन ऐसे होंगे जो एक साल से ज्यादा समय के लिए रहेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, जैसे इन्वेस्टमेंट, अब भाई सीधी सी बात है, कोई भी व्यापारी है अगर वो कहीं भी इन्वेस्टमेंट करेगा तो 100-200-300 हजार रुपए का तो करेगा नहीं, वो बड़ा इन्वेस्टमेंट करेगा, 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ 1 अरब ऐसे इन्वेस्टमेंट करेगा, बड़े लोग, है ना। अभी आप खुद सोचो ना, आप जैसे हो, आपके पास अगर मान लो 50,000 रुपए इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या आप अमेरिका में जाके इन्वेस्ट करोगे, नहीं, आप तो यही कर लोगे, है ना। जो बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास पैसा बहुत ज्यादा है वो विदेशों में इन्वेस्टमेंट करेंगे, करेंगे ना। ऐसे विदेशों में भी होगा भाई, सीधी सी बात है, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा होगा वो इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट जो है वो किसमें, इसमें नवे, मतलब इसमें आया क्यों, क्योंकि लंबे समय के लिए हो रहा है, लंबे समय के लिए हो रहा है तो भाई क्या होगा, कैपिटल अकाउंट होगा, सीधी सीधी बात है। मैं छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो भाई उसको 2-4 दिन 5 दिन 10 दिन में निकाल सकता हूँ, लेकिन अगर मान लो मैं इन्वेस्टमेंट ऐसा कर रहा हूँ जो बड़ा इन्वेस्टमेंट है तो मैं उसको नफा नुकसान के उस पर एक दिन में नहीं हटा दूंगा, उसके लिए मैं समय दूंगा, है ना, सीधी सी बात। ये पूरी बात आपको समझ में आई होगी दोस्तों, है ना। ये पूरी बात अगर समझ में आई दोस्तों तो यहां से हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे और आगे अपने काम को देखेंगे कि भाई इसमें हमारे जो कैपिटल अकाउंट है इसमें हमारे पास कितने प्रकार के ट्रांजैक्शन यहाँ पे रहते हैं और कितने प्रकार के ट्रांजैक्शन लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एक बार देखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, तो इन्वेस्टमेंट, अब इन्वेस्टमेंट वही हमारे FDI हो गया, एक तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक हमारे पास FPI हो गया, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, और एक हमारे पास FII हो गया, यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ठीक है। इनकी एग्जांपल, इनके फीडबैक दोस्तों पूछे जाते हैं, इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो वो मैं सब अभी आपको बताऊंगा आगे इस लेक्चर में, वहां से आप लोग सीख लेंगे। फिलहाल इन्वेस्टमेंट के मामले में जितने भी इन्वेस्टमेंट होंगे वो सारे इसमें ऐड करेंगे। ध्यान रखना, जो भी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के बीच में होता है वही इसमें ऐड होगा। अगर महिंद्रा ने इंडिया में ही कोई इन्वेस्टमेंट कर दिया तो वो ऐड नहीं होगा, ठीक है ना। अगर टाटा ने इंडिया में ही कोई इन्वेस्टमेंट कर दिया, ऐड नहीं होगा, ठीक है ना। जब तक रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट नहीं आ जाते, यानी कोई विदेशी यहां पे आके इन्वेस्टमेंट करे, तब फिर वो कैपिटल, हमारे जो कैपिटल अकाउंट है उसमें ऐड हो जाएगा। दूसरा होता है एक्सटर्नल बोरोइंग। जब भी दोस्तों एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग हो, यानी टाटा कहीं विदेशी कंपनियों से उधार ले ले या उधार दे दे, महिंद्रा किसी विदेशी कंपनी से उधार ले ले या उधार दे दे, तो इस प्रकार का जब होता है तब उसको एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग कहते हैं। मान लो रिलायंस ने टाटा को लोन दिया तो क्या ये आएगा बैलेंस स्टेटमेंट में? नहीं आएगा, क्यों? रिलायंस और टाटा एक ही है ना, रेजिडेंट है दोनों, है ना। मान लो महिंद्रा ने अगर लोन दे दिया बजाज को तो ये क्या आएगा? नहीं आएगा, क्यों? ये दोनों क्या है, रेजिडेंट है। तो जब भी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट होगा तभी वो एक्सटर्नल बोरिंग भी कहलाई जाएगी। इसके अलावा होता है एक्सटर्नल असिस्टेंट। जब बाहर से हमें कोई सहायता मिलती है, चाहे वो कोई सरकार हमें मदद दे दे, चाहे इंटर गवर्नमेंटल या मल्टीलेटरल कोई लोन हमने लिया हो, वर्ल्ड बैंक ने कोई लोन दे दिया है हमें, या किसी और बैंक के थ्रू हमने लोन ले लिया है, या हमने जैसे श्रीलंका को एक सहायता दी थी $1 बिलियन की, वो सहायता हो गई, तो इस प्रकार के जब दोस्त होते हैं वो हमारे किस्में आते हैं, एक्सटर्नल असिस्टेंट में आते हैं, क्योंकि लंबे समय के लिए है इसलिए ये सब किसमें ऐड होंगे, ये सब हमारे कैपिटल अकाउंट दोस्तों यहाँ पे ऐड हो जाते हैं, क्लियर। इतनी बात आपको यहाँ पे समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, अब यहां भी वही है, इसके भी कंपोनेंट वही है जो मैंने आपको बताए हैं, है ना, सारे कंपोनेंट वही रहेंगे। भाई एक देश दूसरे देश में जब भी इन्वेस्टमेंट करेगा तो ये सारी चीजें रहेंगी। बैलेंस कैसे होगा? भाई बैलेंस वैसे ही होगा कैपिटल फ्लो से, जितना पैसा आ रहा है उतना ही जाए, तो वो क्या है, बैलेंस है। ज्यादा पैसा आ रहा है तो सरप्लस, ज्यादा पैसा बाहर जा रहा है तो क्या होगा, डेफिसिट होगा, क्लियर। ये दोनों बातें आपको समझना होंगी। सरप्लस का मतलब क्या है? जब कैपिटल इनफ्लोज आर ग्रेटर देन कैपिटल आउटफ्लोज, सिंपल सी बात है, जब अंदर पैसा ज्यादा है देश में और बाहर ज्यादा कम जाए,
जैसे लोन, हम लोग खूब सारा लोन लेते हैं लेते हैं लेते हैं लेकिन देते नहीं है बहुत कम, तो लोन के मामले में क्या से हम लोग सरप्लस में है, भले से वो हमारी जिम्मेदारियों को बढ़ा रहा है, हम उसको चुकाना भी पड़ेगा, लेकिन जब पैसा आ रहा है उस समय तो हम लोग मानेंगे कि भाई आ ही रहा है। इसी प्रकार डेफिसिट का मतलब क्या होगा कि जब भाई हमारे पास पैसा कम हो, जब इनफ्लो कैसा हो कम हो और आउटफ्लो कैसा हो ज्यादा। अब ये सरप्लस और डेफिसिट की जो बात कर रहा था इसका मकसद क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है, तो बड़ा सिंपल सी बात है भाई। सरप्लस का मतलब है जब विदेशी मुद्रा खूब सारी हमारे पास आ रही है, और अगर डेफिसिट का मतलब करते हैं, डेफिसिट मतलब है जब खूब सारी हमारी करेंसी जो है बाहर जा रही है, सिंपल सी बात ये होती है, ठीक है ना। दोनों में ही फायदा है दोनों में ही घाटा है, वो हम लोग आगे समझेंगे कैसे। पहले फिलहाल पढ़ते हैं कि अगर मान लीजिए कोई भी कंट्री डेफिसिट में है, अगर उसका करंट अकाउंट जो है डेफिसिट में है या कुछ भी है, तो भाई उसको फाइनेंस करने के लिए हमारे पास क्या होता है, हमारे पास कैपिटल अकाउंट होता है, ये ध्यान रखिएगा। जब भी करंट अकाउंट में घाटा होगा यानी करंट अकाउंट में से ज्यादा पैसा देश के बाहर चला जाएगा, तो बैलेंस करने के लिए हम कैपिटल जो अकाउंट है उसमें ज्यादा पैसा बाहर से लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल बड़ी सिंपल सा उदाहरण देता हूं, मान लीजिए भाई मैं 1,000 रुपये महीना कमाता हूं, लेकिन इस महीने मेरे घर में 3 शादियां हैं और उन शादियों को मुझे लिफाफा बना के भी देना है, जबकि 1,000 रुपये जब मैं कमाता हूं तो मैं महीने के केवल 200 रुपये ही बचा पाता हूँ, 9,800 रुपये मेरे खर्च हो जाते हैं। अब 200 रुपये मेरे पास बचे हैं महीने के और 3 लिफाफे मुझे बनाने हैं 100-100 रुपये कम से कम, तो मुझे 100 रुपये कम पड़ रहे हैं, है ना। जब 100 रुपये कम पड़ रहे हैं तो मैं 100 रुपये क्या करूंगा भाई, शादी में जाना जरूरी है, मेरे घर की शादी है वरना बुरा मान जाएंगे लोग, है ना। तो मैं क्या करूंगा, 100 रुपये अपनी गुल्लक में देखूंगा, मेरी गुल्लक में होंगे पुराने इकट्ठे, तो वहां से निकाल के लिफाफा बना के दे दूंगा, ये तो करूंगा मैं। या अगर मेरी गुल्लक में भी नहीं होंगे तो फिर मैं क्या करूंगा, बाहर विदेशों से मांगूंगा, मतलब बाहर किसी पड़ोसी से मांग लूंगा, मैं 100 रुपये लेके उठूंगा, अगले महीने के बच्चे को 200 रुपये से 100 से वापस करूंगा, ये तो करूंगा ना मैं। ऐसा ही कंट्री को भी करना पड़ता है। कोई भी देश में अगर करंट अकाउंट में घाटा हो जाए, करंट अकाउंट में हम बहुत सारा सामान मंगा लें विदेशों से और विदेशों में हम लोग पैसा पहुंचा दें, तो क्या होगा, देश में से पैसा कम हो जाएगा, तब हम क्या करेंगे, हम कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे, हम लोग पैसा मंगा लेंगे, उधार ले लेंगे देशों से, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग कर लेंगे, तो उससे बैलेंस कर, क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग कैपिटल अकाउंट से करंट अकाउंट को बैलेंस कर लेते हैं, लेकिन दोनों को मिलाकर देखेंगे तो उसका जोड़ जो है वो 0 ही आना चाहिए होता है, तभी दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, इक्विलिब्रियम सेट होता है, इक्विलिब्रियम में करना पड़ता है, जितना पैसा देश के बाहर गया उतना पैसा देश में मंगाना ही होता है, तभी दोस्तों क्या होता है वो बैलेंस होता है, अदरवाइज बैलेंस वो नहीं होता, ठीक है ना। अब यहाँ पे एग्जाम में अनलाइक 2-3 क्वेश्चन है, वो कौन कौन से देखिए। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर मान लीजिए कोई भी कंट्री कहती है कि उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको फाइनेंस कर लिया गया है किसके द्वारा, इंटरनेशनल लेंडिंग के द्वारा विदाउट एनी रिजर्व मूवमेंट। लेकिन यहाँ पे कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी, क्या क्या। सबसे पहली बात कि अगर कोई भी कंट्री जो उसके पास फॉरेन एक्सचेंज है उसका रिजर्व जो है उसके ऑर्डर से बैलेंस कर पा रही है तो ठीक है, वरना रिजर्व बैंक क्या करता है, अपने फॉरेन एक्सचेंज को दोस्तों बेच देता है जब भी डेफिसिट होता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, इसको ध्यान रखना कि जब भी डेफिसिट होगा तो उस समय रिजर्व बैंक को अपने जो फॉरेन एक्सचेंज है उनको क्या करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा, तब जाके दोस्तों क्या होता है वो सही होता है। इसको हम कहते हैं ऑफिशियल रिजर्व सेल, ये आप लोग ध्यान करिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन अपने एग्जाम में दोस्तों बन सकते हैं। दूसरा जो बेसिक प्रमिस होता है मॉनेटरी अथॉरिटीज का, है ना, अल्टीमेट जो फाइनेंसर्स होते हैं उनको दोस्तों देखना होता है वो किस प्रकार से डेफिसिट को देख रहे हैं, वो किस प्रकार से बैलेंस ऑफ पेमेंट में काम कर रहे हैं, उसको देखना दोस्तों यहाँ से रहता है, ताकि हमारा जो बैलेंस पेमेंट है वो हमेशा बैलेंस रहे, उसमें कोई भी गड़बड़ दोस्तों ना आने पाए। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट को इक्विलिब्रियम करने के लिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करने के लिए हमें बहुत सारे ट्रांजेक्शन करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीजों को मैनेज करना पड़ता है। उसके लिए 2 तरह के ट्रांजेक्शन होते हैं, एक होते हैं ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन और एक होते हैं दोस्तों ऑटोमेटिंग ट्रांजेक्शन, मैं आपको बताऊंगा। ऑटो अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन मैं आपको आगे बताऊंगा अभी, इन दोनों को जरा एक बार और पढ़ना है कि भाई ये चीजें क्या होती हैं या इनसे किस तरीके से काम दोस्तों हमारा आसान हो जाता है, इसको एक बार जरा और यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन, इसका एक और नाम भी है एबव द लाइन। ये कैसे होते हैं, नॉर्मल ट्रांजेक्शन, क्या लिखा है,
नॉर्मल ट्रांजेक्शन, मतलब ये तो होने ही होने हैं चाहे कुछ भी हो, है ना। तो जितने भी ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जो हमारी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन को बैलेंस करने के लिए नहीं होते बल्कि जनरल होते हैं, जैसे कोई भी सामान खरीदा उसके लिए पेमेंट करा, कोई भी सामान बेचा उसका पेमेंट हमने लिया, कोई भी सर्विस हमने दी उसका पेमेंट लिया, कोई भी सर्विस ली उसका पेमेंट दिया। तो ये जो नॉर्मल सारे ट्रांजेक्शन होते हैं वो हमारे कैसे कहलाते हैं, ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन दोस्तों कहलाते हैं, ठीक है ना। ये इंडिपेंडेंट होते हैं, इन्हें बैलेंस पेमेंट से मतलब नहीं होता, इन्हें इस बात से मतलब नहीं होता कि भाई कहाँ पे करंसी है, कितनी रेट है, क्या कुछ नहीं, इन्हें तो केवल होना ही होता है, तो जरूरी होते हैं। क्रूड ऑयल हमें खरीदना ही खरीदना है, उसके लिए पेमेंट करना है, वो करना ही करना है, उससे कोई भी इफेक्ट बट नहीं बन सकता। बैलेंस पेमेंट सरप्लस में हो तो भी करना है, डेफिसिट में हो तो भी करना है, क्रूड ऑयल तो मंगाना ही मंगाना है, क्लियर। तो ऐसे जो पेमेंट होते हैं, ऐसे जो ट्रांजेक्शन होते हैं जो बैलेंस पेमेंट के गैप भरने के अलावा होते हैं, वो सारे हमारे ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन दोस्तों कहलाते हैं, क्लियर। जो दूसरे होते हैं अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन, ये हमारे वो ट्रांजेक्शन होते हैं जो बैलेंस ऑफ पेमेंट को हमें बैलेंस करने के लिए करने पड़ते हैं, इनको हम लोग कहते हैं बिलो द लाइन ट्रांजेक्शन या बिलो द लाइन आइटम्स ऑफ इन बीओपी यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्लियर। ये तभी होते हैं वेयर देयर इज अ डेफिसिट और सरप्लस, अगर कोई डेफिसिट है और सरप्लस है तभी इस प्रकार के ट्रांजेक्शन होते हैं। जैसे मैं आपको अभी उदाहरण दूंगा, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरी, मैंने बताया ना आपको मेरी तनख्वाह मान लीजिए महीने की 1000 रुपए है, और इस महीने मान लीजिए खर्च हो जाते हैं मेरे पास 1600 रुपए, 600 रुपए एक्स्ट्रा खर्च हो जाते हैं, तो क्या करूंगा भैया, वो 600 रुपए क्या करने पड़ेंगे, मुझे अपने पुराने जो इकट्ठे किए हुए मेरी गुल्लक में रखे उसमें से निकालने पड़ेंगे, है ना। वो 600 रुपए का ट्रांजेक्शन मुझे करना पड़ेगा, ठीक है। अब गुल्लक में मान लो है तो ठीक है, अगर गुल्लक में भी वो 600 रुपए नहीं है, मेरे सेविंग अकाउंट में भी वो 600 रुपए नहीं है, तब तो मुझे उधार लेना पड़ेगा। अब ये जो उधारी वाला हो रहा है ना खेल, ये उधारी वाला, ये क्या है हमारा अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन, क्लियर हो गया। इसी प्रकार मान लीजिए मेरी तनख्वाह 1000 रुपए थी और महीने का मेरा खर्चा होता वो 900 रुपए का था, लेकिन इस महीने कुछ एक्स्ट्रा इनकम मुझे हो गई और मेरी इनकम आ गई 3000 रुपए, खर्चा तो 900 रुपए का ही है, बाकी 2100 रुपए मेरे पास क्या आ गया, एक्स्ट्रा आ गए मेरे हाथ में रहेंगे, तो निश्चित तौर पर मैं क्या कर दूंगा, उसको खर्च कर दूंगा, उड़ा दूंगा, कहीं भी और भी खर्च कर दूंगा। तो मैं तुरंत वो 2100 रुपए क्या कर दूंगा, अपने बैंक में डालूंगा या अपने गुल्लक में डाल दूंगा ताकि आगे के लिए सेव हो। तो ये वाला जो गुल्लक में डालने वाला खेल है ये भी क्या है, अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन। तो वही यहाँ पे लिखा है कि जब भी हमारा देश डेफिसिट में होता है तो क्या होगा, रुपए की हमारे पास कमी हो जाएगी, हमें इधर उधर मांग के लेके आना पड़ेगा, तो वाली कमी पूरी करने के लिए जो भी ट्रांजेक्शन होंगे अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन कहलाएंगे। दूसरा, जब भी हमारा देश सरप्लस में है यानी हमारे पास ज्यादा रुपया आ गया है तो भी जो ट्रांजेक्शन होंगे वो कैसे होंगे, हमारे अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन कहलाएंगे, जो एक्स्ट्रा पैसे को अलग करने के लिए होंगे, क्लियर हो गया। ये पूरी बात समझ में आ गई है आपको, ठीक है ना। यही गैप को बताते हैं, जितने ज्यादा अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन होंगे उतना ही गैप होगा बैलेंस में, सीधी सी बात। अगर अगर मान लीजिए मुझे 600 रुपए का उधार मांगना पड़ रहा है तो गैप 600 रुपए का है ना, ये सिंपल सी बात आपको समझ में आ रही है, क्लियर। कैसे निकाले जाते हैं, नेट कॉन्सिक्वेंसेस से निकाले जाते हैं, ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन के जो नेट कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उनको देखकर ये अकोमोडेटेड ट्रांजेक्शन को कैलकुलेट किया जाता है। तो ये थोड़ी सी बातें आप ध्यान रखेंगे तो यहां से नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं आखिर में फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, है ना। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वही चीज बता रहा हूं मैं आपको जो हम लोग पढ़ रहे थे कि भाई हमें बैलेंस करने के लिए विदेशों से जो वस्तुएं हैं वो खरीदनी भी पड़ती हैं, विदेशों में सप्लाई भी करना पड़ता है, और जब सप्लाई करते हैं जब खरीदते हैं तो फिर क्या होता है, अपनी अपनी करेंसी को दोस्तों हमें कन्वर्टेबल बनाना पड़ता है। अगर मान लीजिए अमेरिका से कुछ खरीदना है तो वो रुपये में नहीं मिलेगा, उसके लिए हमें डॉलर खर्च करना पड़ेगा, डॉलर कहां से आएगा, जब हम अपने रुपये को बेचकर डॉलर लेंगे तब दोस्तों हमारे पास डॉलर आएगा। इसी प्रकार अगर मान लीजिए किसी विदेशी को यहाँ हमारे यहाँ से कुछ खरीदना है तो उसे रुपया हमें देना पड़ेगा, तो उसे अपने डॉलर बेच के हमसे रुपया लेना पड़ेगा, और रुपये फिर हमें देके अपनी चीज लेनी पड़ेगी, अपने सामान लेना पड़ेगा जो भी चाहिए। तो इस प्रकार की चीज को हम लोग फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहते हैं। अब यहां पर भी गड़बड़ होती है, यहां पर गड़बड़ क्या होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल डॉलर की बात करते हैं तो डॉलर की डिमांड हमेशा ऊंचा रहता है, हर इंसान डॉलर में ही व्यापार करना चाहता है, हर देश अपने यहाँ डॉलर को ही एक्सेप्ट करता है कि भैया तुम डॉलर दोगे तभी मैं तुम्हें माल दूंगा अपना, वरना माल नहीं दूंगा। क्रूड ऑयल लेना हो डॉलर में पेमेंट, एक्सपोर्टर लेना हो डॉलर में पेमेंट, तो सब जगह डॉलर की डिमांड रहती है, इसलिए डॉलर बहुत टॉप पर बना रहता है।
उसके कंपैरिजन में बाकी करेंसी जो होती है उनके दाम गिरते रहते हैं ना। तो उस चीज को मैनेज करने के लिए हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में कुछ टूल्स होते हैं, उनकी हम लोग बात करेंगे। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होना आ गया, करेंसीज आर रिलेटेड टू वन अदर, एक दूसरे से वो जुड़ी हुई रहती है, एक का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे का प्राइस घट जाता है, ऑटोमेटिकली इस प्रकार की बात यहाँ पे रहती है, ठीक है ना। डिमांड आपको समझ में आएगी कि फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड क्यों है, हमें विदेशों से सामान मंगाना भी है, हमें वहां पे संपत्तियां भी खरीदनी है, अपनी परचेजिंग गुड्स भी खरीदने हैं, यहां से भी लोगों को लेके जाने हैं वगैरह, इसलिए इसकी डिमांड दोस्तों यहाँ पर रहती है, क्लियर। ये आपको पूरी समझ में आ रही है। अब फॉरेन एक्सचेंज में सप्लाई भी वही है, सप्लाई क्यों जरूरी है, विदेशी मुद्रा की सप्लाई जरूरी क्यों है, वो मैंने आपको बताया। जब सप्लाई होगी तभी हम लोग यहाँ से अपना सामान जो है वो बेच पाएंगे, है ना, तभी विदेशों से हम लोग सामान अपना खरीद भी पाएंगे वगैरह, तो ये सब चीजें बहुत जरूरी यहाँ से हो जाती है। अब यहाँ से दो चीज बातें आपको समझनी है, और वो है दोस्तों हमारा एक्सचेंज रेट, कि भाई हम डॉलर तो लेंगे लेकिन कितने रुपए देने पर हमें डॉलर मिलेगा, या कितने रुपए देने पर हमें यूरो मिलेगा, या कितने पाउंड देने पर डॉलर मिलेगा, इस तरह की बातें दोस्तों हमें क्या करनी पड़ती है, सीखनी पड़ती है। और इस तरह की बातें अगर सीख लेंगे तो फिर हमारे आंसर जो है वो आसानी से हम लोग कर पाएंगे, ठीक है ना। तो एक्सचेंज रेट को देखने के दोस्तों तीन तरीके होते हैं मुख्य। एक होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, जिसे हम कहते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, एक होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, और एक होता है मैनेज्ड एक्सचेंज रेट, ठीक है ना। इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे और तीनों को समझने का दोस्तों प्रयास हम लोग, उम्मीद है कि आपको यहाँ पर चीजें समझ में दोस्तों। सबसे पहला है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। इसमें क्या होता है कि जो भी मुद्रा, जो भी करेंसीज का रेट होता है आपस में, वो मार्केट पर डिपेंड रहता है। मार्केट में जिसकी डिमांड ज्यादा, जैसे डॉलर की डिमांड ज्यादा तो डॉलर के प्राइस बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, रुपए की डिमांड कम तो रुपए के प्राइस घटते जाएंगे घटते जाएंगे घटते जाएंगे, समझ गए। यानी जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, यहाँ पर जो सिस्टम है वो मार्केट के डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करता है। जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे करेंसी का रेट बढ़ जाएगा, जैसे जैसे डिमांड घटेगी वैसे वैसे करेंसी का रेट डाउन हो जाएगा। इसमें जो हमारे सेंट्रल बैंक है उनका किसी भी प्रकार कोई भी इंटरवेंट नहीं रहता, किसी प्रकार कोई इंटरफेयर नहीं रहता, और ये जो करेंसी का एक्सचेंज रेट है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, ये अपने आप में फ्री होता है, अपने आप में स्वतंत्र होता है, मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, क्लियर हो गया। अब यहां पर एक बात ध्यान रखनी है कि अगर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में इंक्रीज इन द एक्सचेंज रेट, अगर एक्सचेंज रेट बढ़ती है, बढ़ने का मतलब एक डॉलर में मान लीजिए पहले 70 रुपया था और अब एक डॉलर में कितना हो गया, लगभग लगभग 84 रुपये हो गया, है ना। तो ये क्या हुआ, एक्सचेंज रेट बढ़ गया। तो जब भी एक्सचेंज रेट इंक्रीज होती है, इसका मतलब होता है प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी हैज इंक्रीज्ड, प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इंक्रीज। पहले एक डॉलर का दाम 70 रुपए था, अब उसी एक डॉलर का दाम कितना हो गया, 84 रुपए हो गया। यानी जब भी एक्सचेंज रेट इंक्रीज होता है, इसका मतलब यही है कि हमारी करेंसी यानी अपनी करेंसी जो है वो डाउन जा रही है और विदेशी करेंसी ऊपर की ओर बढ़ रही है, क्लियर। ये आपको समझ में आया। इसी प्रकार उल्टा अगर बात करें तो प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी डिक्रीजेस, इसे कहते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। भाई सीधी सी बात है, अपनी करेंसी क्या हो रहा है, डेप्रिसिएशन हो रहा है, अपनी करेंसी क्या हो रही है, खत्म हो रही है, जबकि दूसरी करेंसी जो है उसका क्या हो रहा है, एप्रिसिएशन। जब भी दोस्तों क्या होगा, प्राइस, जब भी प्राइस जो है वो डोमेस्टिक करेंसी के क्या होंगे, बढ़ेंगे। अगर डोमेस्टिक करेंसी के प्राइस बढ़ते हैं, मान लीजिए एक डॉलर में पहले 70 रुपया था और अभी एक डॉलर में जो है वो 60 रुपये रह जाए, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारी करेंसी के प्राइस क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, क्लियर हो गया। तो इस चीज को थोड़ा सा मेंटेन यहाँ पे करना होता है, इस चीज को हमें यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है, क्लियर। एक लाइन ये भी है, देखो ये लाइन याद कर सकते हो, मोर डिमांड फॉर फॉरेन गुड्स में इंक्रीज द एक्सचेंज रेट। जितनी ज्यादा विदेशी वस्तुएं खरीदेंगे उतनी ज्यादा एक्सचेंज रेट बढ़ेगी, और जब एक्सचेंज रेट बढ़ेगी तो उतनी ही ज्यादा हमारी करेंसी का रेट क्या होगा, डाउन जाएगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं स्वदेशी अपनाओ, देश में बनी हुई चीजों का इस्तेमाल करो, क्यों, ताकि हमारी करेंसी का रेट और ऊपर पहुंचे, क्लियर। इतनी बात आपको समझ में आई।
इसके बाद होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। जब गवर्नमेंट दोस्तों देखती है कि मार्केट की वजह से हमारी करेंसी का रेट डाउन जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है ना, हमारी करेंसी का रेट बिल्कुल नीचे होता जा रहा है, तो एक कंडीशन पे आके गवर्नमेंट क्या करती है, फिक्स कर देती है कि भाई अब इतना ही रेट रहेगा, इससे नीचे हम लोग नहीं बेच पाएंगे, इससे नीचे हम लोग नहीं जाएंगे। तो जब गवर्नमेंट यानी हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो दोस्तों अपनी करेंसी का एक्सचेंज रेट फिक्स कर दे एक पर्टिकुलर लेवल पर, तो फिर वो दोस्तों फिक्स्ड एक्सचेंज रेट कहलाता है। अब इसमें भी मान लीजिए $1 में ₹70 का रेट चल रहा था, सरकार ने कहा कि भाई $1 में अब ₹60 ही देंगे हम लोग, तो हमारी करेंसी का वैल्यू यहां पर क्या हुआ, बढ़ गया। इसे कहेंगे हम लोग रिवैल्यूएशन, हमने अपनी करेंसी का रेट बढ़ा दिया। और मान लीजिए सरकार कहे कि भाई $1 में ₹70 नहीं, हमसे ₹80 ले जाना, तो इसका मतलब हमारी करेंसी का वैल्यू क्या हो गया, डाउन हो गया। इसे हम कहेंगे डिवैल्यूएशन, ठीक है। वहां पर जब करेंसी का रेट डाउन हुआ था तो हमने क्या कहा था, डेप्रिसिएशन। यहां पर जब करेंसी का रेट डाउन हुआ है तो हम क्या कह रहे हैं, डिवैल्यूएशन। वहां पर जब करेंसी का रेट हमारी बढ़ा था तो हमने क्या कहा था, एप्रिसिएशन। और यहां पर जब करेंसी का रेट हमारा बढ़ेगा तो क्या कहेंगे, रिवैल्यूएशन, ठीक है ना। अब ध्यान रखिए कि जब भी हम लोग बात करेंगे किसकी, जब भी हम लोग बात करेंगे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की, तो टर्म यूज करेंगे डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन। और जब भी हम लोग बात करेंगे फ्लोटिंग यानी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की, यानी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट की, तो हम लोग बात करेंगे किसकी, डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन की। ध्यान रखिएगा, मतलब इन शब्द के वही है, डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन दोनों का मतलब एक ही है, एप्रिसिएशन और रिवैल्यूएशन दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन जब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होगा तो हम लोग डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन बोलेंगे, और जब फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होगा तब डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन बोलेंगे, ठीक है ना। तो इंडिया में इस समय फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का ही पालन कर रहे हैं, और उसमें भी हम लोग मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट का पालन कर रहे हैं। यहां पर कुछ इसकी डीमेरिट्स और मेरिट्स हैं जो यहां पर आप पढ़ सकते हैं, हालांकि इनकी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आप देख सकते हैं, इनको देख के आपको समझ में थोड़ी चीजें आएंगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों अपना ये लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, ये आपको मुझे उम्मीद है कि पूरा समझ में आया होगा इकोनॉमी क्या चीज है और किस तरह क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ से आपको थोड़ा समझ में आया होगा। हम लोग आगे भी दोस्तों लेक्चर लेके आते रहेंगे, ये पूरी सीरीज में आपके लिए चलाने वाला हूँ यहाँ पर। तो एडवेब कॉमर्स के इस ग्रुप पर, इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहिएगा, हर एक टॉपिक हर एक सब्जेक्ट के यहाँ पर आपको मिलेंगे। अभी मैं एमसीक्यू भी कराऊंगा, मेंटीज भी कराऊंगा, थ्योरी लेक्चर भी हम लोग यहाँ पे करेंगे, जिसमें पूरी तरीके से हम लोग रिवाइज भी करेंगे, पूरा एक बार हम लोग पूरा एकदम रिवीजन कर लेंगे। तो ये लेक्चर्स आप बिल्कुल मिस मत कीजिए जो आपके बहुत काम में आने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में यहीं तक रखूंगा, आपको उम्मीद है कि सारी बातें समझ में आई होंगी। जो भी कंफ्यूजन हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर भी दोस्तों एडवेब कॉमर्स के जुड़ सकते हैं, वहां पर भी हम लोग आपको मिलेंगे, वहां पर भी हम लोग अपने आपके साथ रहेंगे, ठीक है ना। चलिए दोस्तों विदा लेता हूं मैं आपसे, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आप सभी लोग खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा ऊर्जाओं से भरे रहिए, हमेशा आलस से दूर रहिए, और हमेशा अपने माता पिता का कहना मानते रहिए। आप सभी को नमस्कार, आप सभी को मेरा जय हिंद। डाउनलोड द ऐप नाउ।